गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया। यहां के मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। इस हादसे में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये लोग रविवार की छुट्टी होने पर ब्रिज पर घूमने पहुंचे थे। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की भी इस हादसे में मौत हो गई। मोरबी की घटना पर राहुल गांधी ने कहा कि वे इस घटना को लेकर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मोरबी के लोगों की जान गई है, ऐसे में वे इस घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हादसे पर दुख जताने वाले पीएम मोदी 1 नवंबर 2022 दोपहर में मोरबी पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो घटना पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। मरम्मत के बाद भी पुल कैसे टूटा, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि 6 महीने की मरम्मत के बाद भी पुल कैसे टूटा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है, सरकार को उसकी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि अस्तित्व मालूम पड़ सके सच्चाई क्या है, उसके हिसाब से फिर एक्शन भी हो तब लोगों में कॉन्फिडेंस जमेगा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी, मेन बात तो देखो ये है। और अभी तो मैंने सुना कि कमेटी बनाई, कमेटी को चुप नहीं बनाने का, कमेटी तो अधिकारी बनती रहती है। हादसे के बाद 31 अक्टूबर गुजरात में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा स्थगित कर दी। रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ धारा 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। मोरबी घटना के लिए गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। अपनों की तलाश में अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। ब्रिटिश शासन काल में 143 साल पहले मोरबी के राजा की ओर से बनाया गया पुल रेनोवेशन के बाद आखिर टूटा कैसे, सवाल वाकई बड़ा है। लेकिन पहले जरूरी है रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी में अब भी फंसे लोगों को बाहर निकालना, घायलों का इलाज और मृतकों का अंतिम संस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गुजरात के मोरबी की, उस हादसे की जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये अभी अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की गई है मृतकों के आंकड़ों की, ये बढ़ सकते हैं, काफी संख्या में लोग लापता हैं और 9 लोगों को हिरासत में, यानी कि अभी सोमवार शाम 6 बजे तक लिया जा चुका है। खैर घटना पहली नहीं है और तेवर भी पहले नहीं है। जो कुछ मैं पिक्चर देख पा रहा हूं ये आंखें पहली बार नहीं देख रही हैं। ऐसे कई बार कई घटनाएं होती हैं, वही मीडिया में हाई चीख पुकार, प्रशासन की पहले दिखाई देती अगर ये शक्ति तो बहुत अच्छा होता। वो दौड़ धूप, आरोप प्रत्यारोप, पीड़ितों से मुलाकात के जो दौर चलते हैं वो नई चीजें कुछ नहीं, स्क्रिप्ट वही है। घटना स्थल बदला है और कुछ चीखे बदली होंगी या नेताओं के चेहरे बदले होंगे, रिजल्ट भी वही होगा जो अब तक जिन घटनाओं का हो चुका है। बेशक बड़े दावे किए जाते हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और जो स्थितियां बनी है उसके लिए, लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन, कब लगेगी ये लगाम। हम कभी भी कुछ भी कह देते हैं लेकिन जब हादसा सामने होता है बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना।
तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम राठौर साहब जुड़े हुए हैं। नीलेश सोलंकी जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुजरात से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। घटना नई नहीं है, जो स्थिति हम देख पा रहे हैं ये नई नहीं है, और रिजल्ट भी अब तक की घटनाओं का जो सामने आया है वही कुछ होने वाला है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। हर बार यही होता है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही स्थितियां बनती हैं। सब भूल भाल जाते हैं कि वो घटना कब हुई थी। वंस अपॉन ए टाइम हो जाता है सब चीजों को, लेकिन जो पीड़ित होते हैं वो अपनों के लिए बिलखते रहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं के लिए कोई दोषी होगा, कोई जिम्मेदार होगा, या फिर ये कहें कि जिम्मेदार कौन होगा, दोषी कौन होगा? जिम्मेदार वही हैं जो चले गए, और दोषी भी वही हैं जो वहां पहुंचे, या फिर वास्तव में किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? रोहन जी, बहुत ही दुखद, बहुत ही इसको शर्मनाक भी कहेंगे, ये जो घटना हुई है देश में, कि ये राष्ट्रीय शोक की घटना है, पूरे राष्ट्र में शोक है। लेकिन इसमें कई पहलू सामने आ रहे हैं जो आपने देखा होगा। एक तो ये चार साल से ये ब्रिज बंद, चार साल बाद ये ब्रिज खुला, दो दिन पहले। दूसरा, इसकी जो क्षमता थी इस हैंगिंग ब्रिज की, वो 100 लोगों की थी। 17 रुपए का टिकट इसमें लिया जाता है, और 17 रुपए का टिकट लेके इसमें 500-600 लोग उसमें भर दिए ब्रिज में, 17 रुपए का पैसों के लालच में। दूसरा, उन्होंने इस बात को देखा नहीं, और ये कैसे इसको एनओसी मिल गई चलने की, ये भी बताने की अभी इसका पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि सरकारी अधिकारी खोलकर नहीं बोल रहे इसको खोलने की। इसकी जो मरम्मत कार सारा काम हुआ, इसकी अनुमति किसने दी? तारा, अब ये तो अनुमति, ये वो जांच चलती रहेगी, लेकिन उनका क्या जो चले गए बच्चे, जब युवा, इसमें युवाओं की ज्यादा मौत हुई, यूथ जो आ गया हुआ था बहुत ज्यादा, जिन्होंने अभी जिंदगी अपना देखना ही शुरू किया था, वो जब चले गए, उसका जवाब दे कौन होगा? अब तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें इतना जबरदस्त इसकी सजा मिलनी चाहिए, दंडित करना चाहिए दोषियों को, कि आने वाला ध्यान रखे। जैसे एक बंगाल में हुआ, तो आज दिग्विजय सिंह ने इस मामले में एक वो किया है कि ये देवी घटना थी या पुल टूटा, एक व्यंग किया मोदी जी पर, क्योंकि मोदी जी ने वहां बंगाल में घटना हुई जब, इसको राजनीति छोड़ दें, सभी दलों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनको चीख सुननी चाहिए, रात को चीख सीखे सुने वो किस तरह से दर्दनाक मौतें हुई है, और कौन इसका दोषी है। सारी पार्टियों को संयुक्त रूप से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वहां आम आदमी पार्टी जा रही है, जो अब राजनीति इस पे बड़ी राजनीति शुरू कर दी है, गुजरात सरकार फैले और ये फैले, लेकिन इसमें जो इस चक्कर में राजनीतिकरण चक्कर में जो दोषी हैं, वो निश्चित रूप से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो सारी पार्टी एक नहीं आपस में लड़ते रहे, तो बल्ब बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का कैसे दे दिया, जो LED बनाती हो, और जो ये इंटरनेट वगैरह इस तरह का काम जिस कंपनी का है, ये कैसे मतलब एक ब्रिज बनाने का काम उसको दिया जा सकता है? कितना बड़ा फ्लोर है, यानी कि जो कंपनी जिसका काम है वो उसका दिन रात का फर्क है, और उसको पैसों के लालच में उसने उसका काम किया है। पूरा 143 साल पुराना ब्रिज है पूरा। जब ब्रिज बंद था, ब्रिज बंद होने के बाद में क्या इसकी अफसर अधिकारियों ने आप खुद चेकिंग करी नहीं, या फिर या ज्यादा लोड उस पे हुआ, मान लो 100 से 500 का, तो क्यों हुआ? लोड को सहन नहीं कर पाया ब्रिज का, बिल्कुल फेल्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही मैं बड़े दुख से, मुझे बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है हमारे देश में, कि ऐसी इतनी दर्दनाक जो मौतें हुई है, दर्दनाक जो युवाओं की, बच्चों की, इस समय तो दोषियों को किसी भी सूरत में राजनीतिकरण ना करके बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सच्चे रूप में तो न्याय वही होगा
किसे सियासी ध्रुवीकरण में बांटने की बजाय हम इसमें ये कोशिश करें कि एक तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि कोई भी पार्टी की सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमारे वक्त कोई घटना नहीं हुई है। ये कहना बहुत सहज है कि दूसरे के राज्य में जाके कहीं पे भी जाके कि आपके यहाँ पे ये हुआ, नेग्लिजेंसी है, ये तो सही है कि कहीं ना कहीं किसी की तो लापरवाही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर गलती कीमत मांगती है। लेकिन ये कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो महज 17 रुपए का टिकट खरीद करके उस दृश्य को देखना चाहते थे, वो पर्यटन के रूप में वो 17 रुपए खर्च कर रहे थे। जिम्मेदार और भी बहुत लोग हैं, लेकिन कभी इस तरह की नजीर हमने नहीं देखी कि ऐसी घटनाओं की ये स्थितियां बनती हैं और उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ता है, ऐसी कोई नजीर नहीं है। क्योंकि हमारे देश में नजीर का बहुत बड़ा एक महत्व होता है, अदालतें हर व्यक्ति को फैसला नहीं देती हैं, लेकिन वो नजीर देती हैं कि इस तरह के केस में ये फैसला आता है, ऐसा करोगे तो ये होगा, कानून यह कहता है, वो नजीर कहलाती है। लेकिन अब मुझे कोई ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई केस आ रहा हो सामने कि जिसकी नजीर के रूप में मैं आज कह सकूं कि उस वक्त हादसा हुआ था, उसमें ये साहब नप गए थे, उनके साथ ये हुआ था। बिल्कुल किसी को आवश्यकता नहीं, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे या कोई उस राज्य का मंत्री इस्तीफा दे, किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भरोसा तो दिलवाइए कि उन लोगों को न्याय मिल सकेगा, ये लेकिन कोई नहीं कह सकता। खैर चलिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा इसमें दिखाई दे भी नहीं रहा है। अभी मैं राठौर साहब आपके पास आना चाहूंगा, इस घटना को किस तरह से देखा जाए, क्या किसी की लापरवाही लगती है? घटना गुजरात में जो घटी है तो बहुत शर्मसार और दुखदायक घटना है, और ऐसी घटना ये पहली बार नहीं घटी है, अगली बार बहुत बार गुजरात में ऐसी घटनाएं घट चुकी है। हमारा अहमदाबाद का एक कांकरिया तालाब है जो बहुत फेमस है, वहां के तालाब के बाजू में राइड चलती है, उस राइड का झूला टूट गया था, उसमें बहुत लोग मर गए थे और बहुत लोग घायल हुए थे। तब भी सरकार ने बोला था कि कोई चमरबंदी को छोड़ने में नहीं आएगा, और आज अंदर कोई नहीं है, सब आजाद घूम रहे हैं। उसके बाद वहां जो दूसरा एक घटना घटी थी वो भी बहुत शर्मसार घटना है, वो भी मैं आपको बताना हूँ। कोई बात नहीं, मैं इस घटना पे आना चाहूंगा, इस घटना पे आना चाहूंगा। हाँ, ये मोरबी वाली जो घटना है उसमें जो दुखदायक घटना है, एक फैमिली के चार चार लोग एक छोटी बच्ची ने मरते हुए देखे है, जो बच्ची बाहर खड़ी थी। अब ऐसे बहुत से परिवार है जिसने ये घटना देखी है, बाहर खड़े रह के देखी है, बहुत लोग गिर गए, 200 के लमसम ये आंकड़ा है मौत का। और सरकार बोलती है कि जो जो इसका जवाबदार होगा, जो जो इसमें शामिल होगा, ये ओरविवा कंपनी को जिसको अलग करने का अधिकार दिया है कि तुम्हारे को इस ओवरब्रिज का ध्यान रखने का है, सब मेंटेनेंस करने का है, वो ओरविवा कंपनी का अभी कोई आया नहीं है सामने स्टेटमेंट कि भाई हमारे ऐसी ये गलती हो गई है। और सब जो भाजपा के नेता है उन लोगों को अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा भी क्यों ना हो उसको डायरेक्ट चालू करने में ही पड़े रहते कि कैसे करके इलेक्शन डिक्लेयर हो उसको पहले उसको चालू कर दे और प्रजा को दे दे। और इसी तरह सर्टिफिकेट की कोई भी तस्दी लेता नहीं है। हमारे यहाँ मेट्रो भी अभी काम बाकी है और चालू कर दी गई, फुट ओवर ब्रिज, अटल ओवर ब्रिज जिसको नाम रखा गया है रिवर फ्रंट पे, उसको भी चालू कर दिया गया है, उसका भी अभी कुछ पता नहीं है कि उसके पास फिटनेस सर्टी है कि नहीं। बस वोट लेने के खातिर, अपनी पार्टी का प्रचार करने के खातिर ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो अधूरे होने की वजह, फिर भी ये नेता लोग जो रिबिन काटने की उन्होंने जो है ना वो चालू कर देते, देखते नहीं है कि ये उससे नुकसान होगा कि क्या होगा। बस उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रजा के बीच अपनी पब्लिसिटी करनी है। आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात में है तो उन्होंने अच्छी सी कैप वैप लगा के दुख को प्रकट किया कि मैं मोरबी में जाना चाहता था, मेरा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ रहना पड़ रहा है। तो भाई उनको कौन रोक रहा है मोरबी जाने से, वो कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी जा सकते है, फिर भी वहां नहीं गए और यहाँ सभा को संबोधन कर रहे हैं। तो मोदी जी को कहना चाहते हो कि आपके समय में भी बहुत बहुत दुर्घटनाएं घटी है, सूरत में तक्षशिला कांड हुआ था,
उसके भी सब दोषी छूट गए, पकड़े भी नहीं है शायद, और ऐसी घटनाएं तो बनती रहती है। जब ऐसी घटना घटती है, बनती है जी, तब सरकार बोलती है कोई दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, पर कोई पकड़ा तो जाता नहीं है, छोड़ने की बात बाद में आती है। जी बिल्कुल नीलेश जी, आपने सुना, जब पकड़ा ही नहीं जाता तो छोड़ने की बात किसकी होती है? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पद पे हूँ, तो मैं ये जो मुरबी में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वो दुखद घटना है और इसका हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा था कि आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये खुद गौतम जी विशेषज्ञ के रूप में कांग्रेस का पक्ष लेते हुए पाए गए और कुछ कांग्रेस का खेस पहन के मेरे सामने बैठे है, और उन्होंने जो भी बोला, मुझे ऐसा था कि शायद देखिए आपको सबको टाइम मिलेगा, जन टीवी का टाइम बहुत नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बात पूरी कर ले नीलेश जी, आप कंटिन्यू करिए जी। मैं चाहता था कि शायद इसमें राजकारण ना हो, और भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे मुद्दे पे राजकारण नहीं करती है, क्योंकि ये मर चुके हैं लोग, ये 132 का आंकड़ा है। तो हम लोग हमारे पूर्व हमारे जो गृह मंत्री है संघवी जी वहां पे पहुंचे 6:30 बजे, ये 6:30 बजे हादसा हुआ और 7:15 को गृह मंत्री अमित शाह जी का कॉल आया और तुरंत ही वहां पे, मैं कांग्रेस को मैं सराहनीय काम बोलता हूँ, भले वो आज जितना भी झूठ बोलना चाहे, अटल ब्रिज हो मैं आता हूँ बाद में उनको, लेकिन वो जितना भी झूठ बोलना चाहे मैं उनको सराहनीय करता हूं कि कल इतने लोग थे वहां पे बचाव काम में कि कांग्रेस के थे, भाजपा के थे, मैं ऐसा पार्टी में इसमें कोई राजकारण नहीं करूंगा, क्योंकि ये मौत का मलाजा नहीं रखेंगे ये लोग, तो फिर कैसी राजनीति है ये? ऐसी राजनीति भैया हमको नहीं चाहिए। वहां पे सर मैं बोल रहा हूं कि 132 लोग मरे थे वहां पे, जितना जिससे जो बन पड़े, एनडीआरएफ की टीम थी वहां पे, केंद्र सर मैं ये बोल रहा हूं कि मुआवजा किसी जिंदगी के रिप्लेस नहीं कर सकता, किसी जिंदगी को भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री अहमदाबाद में आज सुबह सरदार वल्लभ जी का जन्म जयंती थी वहां पे दुख व्यक्त किया, वो प्रधानमंत्री है, हमको ऐसा कोई ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को हम बोले वहां जाए, भैया वो कल जाएंगे तो आप ये लाइन रिपीट करना फिर मालूम पड़ेगा। तो सर मैं ये बोल रहा हूं कि वहां पे जितने लोग मरे हुए वो कोई हादसा है, वो तपास की टीम में शामिल किया गया है और तुरंत वो जो भी कंपनी है जिसने भी एनओसी सर्टिफिकेट दिया है नहीं दिया है, हम लोग यहाँ पे बैठ के कोई जज नहीं बन रहे, हमारे पास अच्छा न्याय तंत्र है, हमारे पास अच्छी न्याय प्रणाली का है, तो हम उस पे विश्वास करें। वो मच्छू डैम 79 में जब ब्लास्ट हुआ था वो पूरे भारत में था कि मच्छू डैम टूट गया था, तो कांग्रेस उसमें जवाब देगी नहीं देगी, क्योंकि सर ब्रह्मांड में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यहाँ पे, और किसी गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा हादसा हो और मौत का मलाजा जो ना रखे, तो ऐसी पार्टियों को धिक्कार है कि ऐसे डिबेट पे नहीं आना चाहिए, जो आप मौत का भी आप नहीं रखते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये काला शर्ट पहन के आया हूँ ना, तो मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, मुझे मालूम है मेरे, मैं गुजरात में बैठा हूँ, तो कल गुजरात में कल 2 बजे तक मैंने टीवी देखा है, क्या शर्म आनी चाहिए? बात कर रहे हो आप, आपको आपको राजनीति करनी है तो बहुत सारे है, बहुत सारे पॉइंट है, आप उसमें राजनीति कीजिए ना, उसके लिए कितनों को आपने सजा दी? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, 17 साल में सर, मैं आपको बोल रहा हूँ 17 साल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, मुझे ये कांग्रेस का प्रवक्ता हुए विशेषज्ञ बोल के बताए, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, क्यों कोई गलती नहीं हुई है? क्या घटना अपने हाथ से होती है? क्या भविष्यवाणी आपके पास होती है? तो आप मुझे हमें ही बोलिए, शर्म आनी चाहिए आपको, जन टीवी के माध्यम से आप लोगों को। सर यहाँ पे नीलेश जी आपसे कुछ राठौर जी पूछ रहे हैं, गौतम राठौर आपसे कुछ पूछ रहे हैं नीलेश जी। जी गौतम जी नहीं, मैं ऐसे करता नीलेश जी आ रहा हूँ आपके पास, पूछ रहे हैं आपसे, लोगों को सजा दी गई, कांकरिया की राइट टूटी उसमें कितनों लोगों को सजा दी गई, और अभी जो मोरबी की घटना घटी है उसमें कौन जिम्मेदार है? उसका आपने नाम रखा कि ये व्यक्ति के, ये कंपनी के कलेक्टर, ये म्युनिसिपल कमिश्नर जिम्मेदार है? ये मैं एफआईआर लेके बैठा हूँ, मैं कोई तथ्य के बिना बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसलिए घर पे बैठी है, कांग्रेस पार्टी इसलिए घर पे बैठी है, एक्सेप्ट कर रही है, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। रिबन काटी क्यों? उसका जवाब दो, फिटनेस रटी नहीं था तो रिबन क्यों काटी? प्रजा के लिए वो खुला क्यों रख दिया गया? अब जवाब सुनिए सर, मैं आपको बोल रहा हूँ
कि कांग्रेस के समय में ऐसा था कि कोई ऐसा कोई अरे अरे सुनने की नौबत रखिए, सुनने की नौबत रखिए, कोई कोई कमेटी होती है उसमें जांच होती है, क्या आपने कभी कायदे कानून बना दिए थे? आपने सबको फांसी दे दी थी? हमारे न्यायिक प्रणाली में होता है सर कि ये कमेटी जांच करवाएगी, उसमें कोई भी होगा, व्यक्ति विशेष को बचाया नहीं जाएगा। और सर 132 लोग मरे हैं, कोई एक आदमी नहीं मरा है। आप कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि इसमें राजनीति कर रहे हैं। चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, पर कोई चमरबंदी को आप पकड़ते ही नहीं हो। मेरे को बताओ ना, पर तक्षशिला कांड और काकरिया की राइड में किस जो जुडिशियल में होता है उस पे कोई जवाब नहीं देगा। आप ऐसे बुद्धिमान हो कि जुडिशियल पे आप शक कर रहे हो? आपको तो लगता है कि ईडी भी ये है, न्यायिक तंत्र भी ये है? अरे आपको शर्म मानी चाहिए, आपकी सरकार है और आपके पास सब सत्ता है। ऐसा होता तो राहुल गांधी जी को, ऐसा होता सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा होता तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जेल में होते ईडी के पक्ष में। बोलिए ऐसा है? आज आज जामीन पे बाहर है वो, शर्म आनी चाहिए आपको। नेताओं को कायदे कानून नहीं लगते, ऐसी बात कर रहे हो ना आप? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट का ऐसा निष्पक्ष नहीं होता तो आज कांग्रेस के जितने वो आपके हो ना गांधी फैमिली जो जमीन पे बाहर वो अंदर होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग न्यायिक तंत्र में विश्वास रखते हैं। आपके नेता तड़पा रहे, पता है आपके पास पूरा पूरा अभ्यास नहीं है, आपने रिहा कर दिया, आपके पास पूरा अभ्यास नहीं है। उस पर राठौड़ जी वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। प्रमोद वशिष्ठ साहब के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम कई मरतबा ये बात कहते हैं कि कोई भी सरकार या जनप्रतिनिधि नहीं चाहता, मुझे तो लगता है कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में उसके यहां पे कोई हादसा हो, और क्षेत्र की बात नहीं दुनिया में कहीं पे हादसा हो। किसको अच्छा लगेगा कि मौतों पर कोई रोटी सेके या मौतों पर कोई चर्चा हो? यह चर्चा हम और भी मुद्दों पर कर सकते थे, लेकिन मजबूरी है कि इस मुद्दे को हम जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। मुझे तो भरोसा है, राजनीतिक दलों को भरोसा तब होता है जब उनके यहां किसी के यहां घटना हो। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी आरोप लगाती है, तो कांग्रेस ही कहेंगे कि ये लाशों पे रोटी मत सेकिए, सियासत करने के बहुत मुद्दे हो सकते हैं, इस पे मत करिए। बीजेपी के यहां अगर मोरबी में घटना होती है तो बीजेपी ये बात कहती है, दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई बार मीडिया ये बात कहता है कि उंगली उधर कर रहे हैं, तीन उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं ये, और ये हादसे हमें तो भरोसा है, कोई नहीं चाहेगा कि हादसा हो, कौन चाहता है किसी की जान चली जाए, लेकिन राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं होता है। भरोसा तब होता है जब घटनाएं होती हैं। हमारे देश में एक चीज और चलती है, हमारे यहां जुगाड़ कल्चर, एनओसी का जुगाड़, एनओसी मिल गई, अगर कहीं पर भी कोई साइट सीन देखने की जगह है तो वहां पर टिकट की जुगाड़, फिर भीड़ में पांव रखने का जुगाड़, अभी जुगाड़ को क्या कहें, ऊपर जाने का जुगाड़। देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो किसी के हाथ में घटना तो नहीं होती, ये बात सही है कि कभी भी कोई घटना हो जाए इसमें कोई वो नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई है, ये तो मतलब सीधी सीधी लापरवाही आम दिखाई दे रही ना पूरी तरह, और गुजरात में चुनाव के कारण सियासत की नदी में ये घटना बहेगी। जैसे अभी आपने भाई को देखा, कांग्रेस वाले भाई, बीजेपी वाले भाई जो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं गुजरात के, और किस तरह से कहां से कहां घूम गया सोनिया राहुल तक, ये वो कि तुम्हारा वो यही कमी है सर, यही जाके पांव ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई सर, जिनके घरों में से चार चार लाशें गई हैं, जिनके घरों में जवान जवान जिनके कंधे बुजुर्ग माँ ऐसी हो रही थी, मैं क्या आप रोने लग जाओगे आप उनको वो देखो वीडियो, तो यही सियासत है ना, इसी के कारण ये गुजरात की चुनावी सियासत की नदी में ये घटना बह जाएगी। आज मच्छू बांध की जिक्र करी 79 में टूटा था, 1000 विपक्ष बता रहा था, वो कम बता रहे थे, आज तक ये तय नहीं हो पाया कि उस बांध की जो घटना हुई थी उसमें कितनी त्रासदी हुई थी, किसने हुई थी, आप फाइलें खोलो, सिर्फ आप, क्योंकि कांग्रेस तो आज भी कह रही है कि इतने हुए थे, बीजेपी कुछ अलग, तो चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन अब अगर इस घटना पर कोई बहुत ही सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन नहीं लिया
भाजपा कांग्रेस ने इसको चुनावी मुद्दे से हटकर नहीं देखा, वो आत्मा इनको जीवन में माफ नहीं करेंगी योगेंद्र जी, जो क्योंकि इनकी गलती से 17 रुपए के लालच में लोगों को मरवा दिया। 100 लोगों के पुल की क्षमता वाले में 500 लोग कैसे भर गए? सबसे पहले तो यही बड़ी वो है, और बिना एनओसी के, बिना उसके पूरी तरह से अफसरों ने कैसे वहां राउंड लगाए बिना कैसे उसको दे दिया इतने बड़े ब्रिज का, इतने बड़े एक इस ब्रिज का नाम है हैंगिंग ब्रिज, ये जो है इसका कोई ये छोटा मोटा तो है ही नहीं भाई, लोग जानते हैं अपने बैठे जो। तो ये योगेंद्र जी ये एक बड़ी हमारे लिए त्रासदी बड़ी वो है। अब ये थोड़े दिन में चुनाव बता देंगे, एक दो रोज में चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं गुजरात के, कैसी सुनने मारा है, चुनाव का माहौल चल जाएगा। मत्स्य नदी भाषण में जैसे मोदी जी आए कि मैं वहां जाना चाहता था, ये ठीक है मोदी जी ना जाए, ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जाए, वो व्यवस्था और भी घटती है, कोई वीवीआईपी जाए, कम से कम मोदी जी वो सख्त एक्शन के लिए तो कर दें कि मैं 7 दिन का टाइम देता हूं, 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई कैसे नहीं होगी। दूसरा आयोग बन जाएगा, जांच आयोग का कार्यकाल 2 महीने, फिर 3 महीने बढ़ेगा, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, चुनाव होगा, सरकार बदल जाएगी। और नितिन गडकरी एक बात कह चुके हैं कमेटी और आयोग के लेकर के, अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो तो उसकी कमेटी या उसका आयोग बना दीजिए। इनके मंत्री बिल्कुल आपने सर 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 मैं एक बात ज्वाइंट कर लूं कि हमारे राजकोट के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के मोहन कुंडारिया जी, बिल्कुल मोहन कुंडारिया जी के परिवार के 12 लोग मरे, बिल्कुल ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं चाहेगा, विपक्ष के भी आदमी मरे सर। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इस पे चल भी रहा है बीजेपी सांसद मोहन भाई के 1 दर्जन परिवार जनों की, फिर भी जी जी सर वो फिर भी सेवा के काम में वहाँ पे लगे हैं, वो वहाँ पे नहीं गए, वो पूरी रात से वहाँ पे स्पॉट पे है मोरबी में। तो ऐसा सर मैं ये बोल रहा हूँ कि राजकारण के बहुत सारे तरीके हैं। नीलेश जी और राठौर जी, हम कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि भरोसा रखना चाहिए राजनीतिक दलों को, जनता का भरोसा है, कोई किसी को मौत का उदाहरण नहीं बनना चाहता, मौत का कारण नहीं बनना चाहता, लेकिन ये हो जाता है, ये भरोसा तो राजनीतिक दलों का टूटता है, और वो भी सिर्फ वोट के खातिर। हम तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि आप लोग भरोसा रखिए, एक नजीर पेश करिए कि आगे ऐसा ना हो। ये रिस्क क्यों ली जाती है? आप ये दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि अंग्रेजों के जमाने में बना ब्रिज आजादी में हम आंसू बहा रहे हैं मौतों पर, हमारे बड़ी शर्म की बात तो यही है। बात तो यही आकर रुकी सर, हम ये कि राजनीतिकरण ना हो के अगर कांग्रेस बीजेपी सभी संयुक्त वो करके इसमें करें, नोएडा में जी सर, जी सर मैं आपको बोलूं कि हमारे युवा नेता हर संघवी जी जी, जिसमें एक रेप भी होता है ना तो बहुत होता है, एक रेप भी किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे ऐसे यहाँ पे एग्जांपल है, गौतम जी को मालूम होगा कि 19 दिन 23 दिन 36 दिन में फांसी की सजा हुई है, आप गूगल पे कर सकते हो। तो हमारे यश हर संघवी जी रात से वहां पे है, अब देखना, मैं आपको जवाबदारी से विश्वास में देता हूं कि ये जो भी दोषी थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग न्याय तंत्र में बीच में नहीं आ सकते। चले मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। सबसे बड़ी बात यही है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, इसको कौन अप्रिशिएट करेगा, हर किसी का दिल दहला देने वाली घटना है, हमें एहसास करना होगा, हम इंसान है, अगर किसी का एक भी व्यक्ति कोई चला जाता है इस दुनिया से तो हमें तकलीफ कितनी होती है, किसी ने 4 किसी ने 5 को अनाथ हो गया, कोई अपनों के सामने बिलखता है, आंखों के सामने अगर लाशें चली जाती हैं, उससे बड़ी कोई तकलीफ इस जीवन में नहीं हो सकती उसके लिए। मैं लेकिन गुजारिश इतनी जरूर करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप किसी को छोड़े ना छोड़े लेकिन आप एक नजीर पेश करिए, अगर ऐसी घटना और लापरवाही हो तो उससे पहले कोई विचार करे कि इस तरह की घटनाओं का अंजाम क्या होता है, अदरवाइज तो घटनाएं होंगी, चर्चा हम करेंगे, 4 दिन बाद में वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी, जिनके अपने कोई मरेंगे याद रहेगा तो कभी हम लोग भी डिबेट कर सकते हैं कि 1 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, वो भी एक लिमिट होगी, उसके बाद में हम सब लोग भूल जाएंगे, फिर कभी कोई नई घटना होगी तो उसके रेफरेंस में देंगे कितने तारीख इतने बजे ये घटना हुई, इतने इतने लोगों की जान चली गई थी। तो ये जरूर कृपा करिए कि एक नजीर के रूप में इस घटना के बाद कि कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल कर के आ सके कि दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई हुई थी, तो कोई भी लापरवाही करने से पहले सोचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।